अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमने अपनी एसक्यूएल कीज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी की एंड फॉरेन की डिस्कस किया था। आज की मैं अपनी टॉपिक में डिस्कस करूँगा बेसिकली कंपोजिट की। कंपोजिट की होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको हम डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसका रोल क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर कीज़, ये हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की तरफ। बेसिकली है क्या, अ की दैट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंपोजिट की। अब देखें, अकॉर्डिंग टू पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टेबल में अगर एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो तो हम उसको कह सकते हैं कंपोजिट की। इट इज़ आल्सो नोन एज अ कंपाउंड की। कंपाउंड मीन्स अ मिक्सचर, कंपाउंड मीन्स मिक्सचर हम कह सकते हैं इसको एक तरह से। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइमरी की क्या करती है, एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे टेबल्स में प्राइमरी की एक नहीं होती। अगर लेट सपोज वो प्राइमरी की आपको ऑन द स्पॉट याद नहीं है, तो हम दूसरे प्राइमरी की भी के थ्रू उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि बैंक सिस्टम में जब भी हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है वो हम उनकी प्राइमरी की होती है, और जो हम बैंक को देते हैं इट मीन्स हमारा आवर नेशनल आईडी कार्ड और नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, ये हमारी प्राइमरी की है, इससे हम आइडेंटिफाई होते हैं अपने डेटाबेस में। तो जब दो प्राइमरी की आपस में मिलती हैं टेबल में तो वो कहलाते हैं कंपोजिट की, जिसको हम कंपाउंड की भी कहते हैं। और नोट यहाँ पे देख लें आप, एनी की सच एज अ सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ईटीसी कैन बी कॉल्ड अ कंपोजिट की बिकॉज इफ इट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे कंडीशन है, हम सुपर की को, प्राइमरी की को, कैंडिडेट की को भी कंपोजिट की कह सकते हैं इफ अगर उनके टेबल में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट प्राइमरी की है। तो चलते हैं आगे, इसकी एक सिंटैक्स देखते हैं हम अपने कि हम इसको डेटाबेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सिंटैक्स। अब देखें यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट की है कोर्स के नाम से, जिसमें जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी है, जो हमारा सेकंड एट्रीब्यूट है वो स्टूडेंट आईडी है। अब देखें कोर्स से रिलेटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कोर्स आईडी होगी, लेकिन कोर्स आईडी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एक एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट करती है। अगर देखा जाए कि स्टूडेंट आईडी वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने प्राइमरी की करनी है, क्यों, क्योंकि हमें स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि फलाना स्टूडेंट डैश स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, कौन से लेवल पर है और उसके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं। और जो मैंने अपनी थर्ड फील्ड डिफाइन की है कोर्स नेम, ठीक है, और लास्ट में मैंने डिफाइन किया है अपने फील्ड को डिपार्टमेंट नेम। इन लास्ट मैंने क्या किया है, कंपोजिट की बनाने के लिए उसमें प्राइमरी की अप्लाई की है, किसको, कोर्स आईडी को और स्टूडेंट आईडी को। और उम्मीद है कि आपको सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऐसे डिस्कस करते हुए हैं, बट हम अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। वहाँ पे हम अपना बेस्ट देंगे, सीखेंगे कि हम अपने कंपोजिट की को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए मूव होते हैं अपनी आईडी की तरफ। जैसा कि हम अपनी आईडी पे आ चुके हैं और हम को एक डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, प्रीवियस वीडियो हम खाली से कनेक्ट हुए थे, क्यूरी टूल पे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में वहाँ पे कोर्स की एक टेबल क्रिएट की थी, इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ, चलिए हम यहाँ पे अकाउंट की टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कीवर्ड, टेबल हम क्या लिख देते हैं, अकाउंट्स इन्फो, ठीक है। अब हम इसमें कुछ अपनी फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट क्या हो गया एम्प्लॉय, अकाउंट नंबर, इंटीजर होगा, हम इसको नॉट नल कर देते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है।
जैसे कि मैंने अपनी यहाँ पर एक अपनी फर्स्ट फील्ड डिफाइन कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय अकाउंट नंबर इंटीजियर नॉट नल, इसमें हमने एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट भी अप्लाई किए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी वो अच्छी हो और यूज़र कभी भी इसको नॉट नल ना कर सके, उसमें मस्ट वैल्यूज पुट करे। सेकेंड हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेशनल आईडी, नेशनल आईडी डेटा टाइप इसकी इंटीजर होगी, हम इसको भी नॉट नल करेंगे क्योंकि नेशनल आईडी मस्ट बी यूज फॉर अदर पीपल। एंड इन लास्ट में यहाँ पर देता हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। अब भी क्योंकि जैसे हमें पता है कि डिपार्टमेंट हम नेम के थ्रू लिखते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप करेक्टर यूज़ करना होगा या हम वाच आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 50, हम इसको भी नॉट नल करेंगे। अब मेन चीज़ होती है हमें कंपोजिट की क्रिएट करना। अब मैं आऊँगा यहाँ पर प्राइमरी की, हमें प्राइमरी की किस किस को करना है यहाँ पर, बेसिकली मुझे करना है यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय अकाउंट नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन मुझे कॉलम टू जो एम्प्लॉय नेशनल आईडी है उसको भी मुझे प्राइमरी की करना है, कॉपी करेंगे क्योंकि हमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए अपने ट्यूटोरियल में। और आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपने ऊपर जो स्पेलिंग्स लिखी हैं वही आप इसमें पुट कीजिएगा। और सिलेक्ट करते हैं इसको और एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें पता है जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि डेटाबेस को रिफ्रेश करना होता है। हम जाएंगे अपने डेटाबेस की तरफ और रिफ्रेश करेंगे, जैसे कि हमारा डेटाबेस रिफ्रेश हो चुका है। अब हम जाएंगे स्कीमास के अंदर कि हम देखें कि भाई हाँ प्रैक्टिकली क्या वो चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हुई है, क्या कंपोजिट की बन चुकी है। हम जाएंगे अपने टेबल्स के अंदर, टेबल्स के अंदर हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो, क्योंकि अभी हमने अकाउंट इन्फो की टेबल क्रिएट की है। अब हम इसमें क्लिक करेंगे कंट्रेंट्स, जैसे ही हम कंट्रेंट्स पर क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे हमारी कंपोजिट की बन चुकी है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंपोजिट की यूज़ क्यों करते हैं और डेटाबेस में इसका रोल क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एसक्यूएल कीज़ के साथ, जिसमें हम फर्दर मोर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेटाबेस में। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारी एसक्यूएल कीज की एक ओवरव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आपको आप विद इन वन वीडियो आप पूरी एसक्यूएल कीज को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।